26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए गंगानगर रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। ईओसीटी इस्माइल खान के नेतृत्व में जीआरपी थाना गंगानगर व आरपीएफ द्वारा संयुक्त सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। कृपया ध्यान दीजिए, श्री गंगानगर से चलकर अमोहगढ़ के रास्ते भटंडा को जाने वाली छोटे छोटे टिप्स हैं, सावधानियां हैं जो आप लोगों के लिए भी ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है। सुरक्षा एजेंसी आपके पास कोई सवारी आके बैठती है तो आपको ध्यान रहे कि उसके पास सामान क्या है, आपका सामान क्या है। कहीं ऐसा नहीं हो सब मैं आया आके आपके पास मैंने वो बैग रखा, लावारिस रख के चला गया। अगर लावारिस को रख के जा रहा है इसका मतलब उसमें कोई ना कोई गलत चीज, तो अगर लावारिस कोई सामान हो तो उसकी सूचना तुरंत निकटतम जो भी हमारे आरपीएफ बीआरपी पुलिस जिनको सूचना दें। दूसरी बात, आपके पास जो पड़ोसी यात्री बैठे हैं उनसे आप इतना ज़्यादा मत घुले मिलें कि आप अपने अंतरंग बातें बता दो। जैसे मैं बता दूं साहब मेरे बैंक में इतने पैसे हैं, मैंने ज़मीन बेची है, मैं ज़मीन बेच रहा हूँ, मेरा घर वहाँ पे है। आप जब अंतरंग बातें बता दोगे तो वो आदमी अगर कोई बदमाश होगा तो आपकी उन जानकारियों का फ़ायदा उठा के आपके घर पहुँच जाएगा और आपके रिश्तेदार के पास पहुँच जाएगा और वहाँ को चीटिंग कर लेगा। आपके पास जो सवारी बैठी है वो आपको खाने पीने के लिए कुछ चीज़ दे रही है तो आप उसको ना लें। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको कुछ खाने में या कुछ ऐसी चीज़ लगा के सुंघा के आप बेहोश हो जाए और आपका सामान वो ले जाएगा। आप जो अपने अंतरंग बातें करते हैं कि आपने कोई पेमेंट दे दिया, आपका सामान कहाँ पड़ा, ये पब्लिक में ना करें। आप घर से रवाना होते हैं तो भी ना करें, क्योंकि मेरे को पता लग गया साहब आप 5 लाख रुपए ले जा रहे हैं, 2 लाख रुपए ले जा रहे हैं, तो मैं आपके पीछे लग जाऊंगा। इसलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। जब भी आप ट्रेन में यात्रा करें खुद की सुरक्षा भी रखें और साथ में, क्योंकि लावारिस जो चीज़ पड़ी है तो उसमें कोई NDPS का आइटम हो सकता है, उसमें कोई विस्फोटक पदार्थ हो सकता है, तो वो आपके लिए भी खतरा है और हमारे सिस्टम के लिए भी खतरा है। इसलिए जब भी आप यात्रा करें इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके साथ साथ आप जब सड़क पे चलते हैं ट्रेन के अलावा तो हेलमेट लगाएं, बढ़िया क्वालिटी के हेलमेट लगाएं। 4 पहिया वाली गाड़ी बैठते हो तो सीट बेल्ट लगाएं और ड्राइवर, उसके पास वाला, पीछे वाला और भी। आप लोगों को एक बात बताना चाह रही हूँ, जो आज ही मेट्रो स्टेशन जहाँ पर भी ये इस तरह के चार्जिंग स्लॉट लगे होते हैं जिसमें हम अपना फोन चार्ज करते हैं, ये हैकर्स का एक नया तरीका है आपके डेटा को चुराने का। तो ये जो स्लॉट है इसमें कोई ना कोई चिप डाल के रखते हैं अंदर, और जब हम फोन चार्ज कर रहे होते हैं तो हमारा सारा डेटा जो है कॉपी होके उन हैकर्स के पास चला जाता है। तो इससे हमारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं, साइबर क्राइम जो बढ़ता जा रहा है जो बैंकिंग के सेक्टर में, या जो ऑनलाइन अपन जो बैंकिंग यूज करते हैं उस सेक्टर में, तो वो सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है। तो वो आप जहाँ तक हो सके अपना चार्जर, अपना ये पावर बैंक ये यूज करें और इसका यूज ना करें। आप जब ट्रेन में चढ़ रहे होते हैं और उतर रहे होते हैं, और किसी भी पुलिया पे चढ़ रहे होते हैं और उतर रहे होते हैं, उस टाइम आपने देखा होगा खासकर ज़्यादा भीड़ होती है, तो उस टाइम अपने फोन या अपनी कोई भी कीमती सामान है उसका थोड़ा ध्यान रखें। ट्रेन में अगर आप खिड़की की तरफ बैठे हैं तो खिड़की की तरफ ऐसे मोबाइल करके ना बैठें, क्योंकि जैसे ही ट्रेन चलने वाली होगी सामने से कोई आएगा आपका मोबाइल छीन के भाग जाएगा। ऐसी घटनाएँ बहुत होती है, अधिकतर होती है। अगर आप इन 2-3 छोटी मोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हर जगह हर एक आदमी के पीछे एक पुलिस वाला नहीं हो सकता, हमें अपनी सेफ्टी का खुद भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपकी भी सेफ्टी होगी और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, और अपने पास वालों को भी आप इन चीज़ों के लिए अवेयर कर सकते हो। जो बातें सर ने बताई है या मैंने बताई है, ये चार्जिंग वाली मुझे आज ही पता चली, तो आप अगर आगे 2 जनों को बताते हो तो हम कितने लोगों को अवेयर कर सकते हैं उसके बारे में, जितना हो सके मिनिमम यूज करें। ओके, थैंक यू। डाल देते हैं कि साहब मैं अब दिल्ली के लिए रवाना, मैं अब कश्मीर के लिए रवाना, हिमाचल के लिए रवाना, तो हम हमारी सूचनाएं खुद ही देते थे। ये आपको पता ही होगा किसी भी इमरजेंसी में आपको ये 182